इससे बड़ी बर्बरता और क्या हो सकती है किसी सेना के साथ। लेकिन पाकिस्तान सब कुछ भूल चुका है, भूल तो मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ गई है। जो विपक्ष में रहते एक के बदले 10 सिर लाने की बात करती थी, वो अब बातचीत करने के लिए तैयार है, वो भी उस वक्त जबकि जवान के साथ पाकिस्तान ने हैवानियत की है। विपक्ष सवालों का ब्रह्मास्त्र दाग रहा है। तिरंगे में लिपटा ये शरीर सिर्फ शहादत नहीं है, ये पाकिस्तानी सेना की क्रूरता की पराकाष्ठा पार कर जाने का सबूत है। ये पाकिस्तानी फौज के हैवान बन जाने का प्रमाण है। ये सेना के न्यूनतम मर्यादा के भूल जाने का दृश्य है। ये सेना के अपमान की तस्वीर है। देख लीजिए इसे, देख लीजिए रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, आप भी देख लीजिए इसे, देख लीजिए देश के प्रधान, कैसे फिर हैवान बन गया है पाकिस्तान। पूछ रहा है हिंदुस्तान, कब लेंगे बदला, कब सिखाएंगे सबक, कब लाएंगे एक के बदले दुश्मनों के 10 सिर। शहीद नरेंद्र हमारे गांव के बहुत ही सम्मानित व्यक्तियों में थे। उनकी शहादत पे पूरे गांव को, पूरे हरियाणा को, भारतवर्ष को गर्व है। लेकिन साथ ही साथ इलाके में बहुत रोष भी है। जो शहादत के बाद शहीद के जो शव के साथ जो पाकिस्तान ने बर्बरता की है, उस पर हमें पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। सरकार जब आई थी 2014 में, मोदी जी कहते थे कि एक सिर के बदले 10 सिर लेके आएंगे, तो पीछे भी बहुत सारे हमारे शहीद लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज तक सरकार चुप ही बैठी हुई है। सुना आपने, कितने आक्रोश में हैं लोग, पापी पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। याद कीजिए, चंद बरस पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी, सत्ता में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, तब एक के बदले 10 सिर लाने का दावा करती थी बीजेपी, लेकिन सत्ता में आते ही भूल गई अपना वादा। अब लोग याद दिला रहे हैं, विपक्ष में बैठे वे नेता याद दिला रहे हैं जो कभी सत्ता में थे। शहीद नरेंद्र सिंह ने तो शहीद हेमराज की तरह भारत माता के प्रति अपनी कुर्बानी देकर अपना कर्ज निभा दिया, पर प्रश्न ये है कि आज के हुक्मरान अपनी जिम्मेवारी कब निभाएंगे। कहां गया 56 इंच का सीना और कहां गई पाकिस्तान को दिखाई जाने वाली लाल आंख। कब निर्णय होगा पाकिस्तान के साथ कि वो आए दिन हमारे फौजी जवानों के शव शत विशप्त कर उनकी इस बेबाक तरीके से हत्या ना कर पाए। देखिए, पहले 2014 में ये कहते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, हम वो एक हमारा मारेंगे या एक सिर काटेंगे तो हम इनके 10 लेंगे। हम ये चाहते हैं कि कम से कम इतनी ताकत तो दिखाएं कि हमारे जवानों की इस प्रकार से निर्मम हत्या ना हो। हमारे जवानों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, देश में आम नागरिक परेशान है और इनके जुमले पर जुमले जारी हैं। आप एक तरफ पत्र लिखते हैं, एक तरफ ये संकेत आते हैं कि यूएन समिट में दोनों विदेश मंत्री दोनों राष्ट्रों के बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरीके से हमारी सीमा के प्रहरियों के साथ क्रूरतम व्यवहार करते हैं। समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर कौन है शासक, क्या वास्तव में इमरान शासक हैं। सरकार पर ब्रह्मास्त्र दागने के बाद कांग्रेस के नेता पहुंच गए सोनीपत, शहीद परिवार के पास। अंतिम संस्कार कर लौटे परिवार के साथ दरवाजे पर बैठे, दुख जताया, ढांढस बंधाया, परिवार को हिम्मत दी और फिर लौटते लौटते सरकार पर सवाल दागते गए। हालांकि सरकार कह रही है कि माकूल जवाब दिया जाएगा, वक्त पर बदला भी लिया जाएगा। पूरा देश इसी का इंतजार कर रहा है, जब हिंदुस्तानी सेना फिर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी, जब फिर से घर में घुसकर सबक सिखाएगी पाकिस्तानियों को, ऐसा सबक कि फिर कभी पाकिस्तानी फौज की हिम्मत नहीं होगी इस कदर हैवानियत करने की, कि फिर कभी कोई नरेंद्र कुमार 9 घंटे तक कैद में तड़पता ना रहे, कि फिर कोई हेमराज बेसिर
ना लौटे वतन तिरंगे में लिपटे हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।